हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 4 अगस्त 2022 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2023 को लेकर आईपीएल 2023 के सभी 10 की 10 टीमों की तरफ से, इसके साथ ही भारत और वेस्टइंडीज के बीच में चल रही सीरीज को लेकर भी 8 काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट और आईपीएल के बड़े फैंस हैं तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और एक बार फिर से ये निकल कर आ रही है रविंद्र जडेजा और सीएसके की तरफ से। इस न्यूज को हम लोग पहले भी काफी बार क्लियर कर चुके हैं, लेकिन इन दोनों के ही बीच में कुछ ना कुछ ऐसा होते रहता है जिसके चलते कोई ना कोई न्यूज निकल कर आ ही जाती है। और आज ये अपडेट है, रविंद्र जडेजा ने अपने पुराने ट्वीट्स को डिलीट कर दिया है चेन्नई सुपर किंग्स की साइट से। अभी कुछ दिन पहले हमें लग रहा था कि शायद सीएसके और जडेजा के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सीएसके भी उनकी फोटोज को लगातार पोस्ट कर रही थी। लेकिन अब जडेजा ने खुद जाकर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ उनके जो पास्ट के ट्विटर इंटरेक्शन थे उन सभी को डिलीट कर दिया है। और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में खेलना ही नहीं चाहते। और इसी तरीके की चीजें काफी टाइम से हो रही हैं, जिससे हमें तो एक ही इशारा मिल रहा है कि शायद अब जडेजा हम लोगों को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में देखने को नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में। और गाइज ये निकल कर आ रही है भारत और वेस्टइंडीज के बीच में अब जो 2 T20 मुकाबले बचे हैं, जिसमें से 3 मुकाबलों की सीरीज में ऑलरेडी भारतीय टीम 2-1 से आगे चल रही है। लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे, हमने आपको बताया था चैनल के ऊपर कि किस तरीके से भारत और वेस्टइंडीज के बीच में जो आखिरी के 2 T20 मुकाबले होंगे वो वेस्टइंडीज में नहीं होने वाले, बल्कि वो यूएसए में होंगे, क्योंकि यूएसए में क्रिकेट की कल्चर को और भी ज्यादा प्रमोट करने के लिए भारत और वेस्टइंडीज की टीमों को मुकाबले वहां पर खिलाए जा रहे हैं। और इसके लिए भारत और वेस्टइंडीज दोनों ही टीमें यूएसए पहुंच चुकी हैं और आप लोगों को मुकाबला देखने को मिलने वाला है 6 तारीख को, 4th T20। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में। और गाइज ये निकल कर आ रही है एडन मकरम की तरफ से। आप सभी लोग जानते होंगे करेंटली T20 रैंकिंग में एडन मकरम हमें लगातार कंसिस्टेंटली top 5 में देखने को मिलते हैं। और इनका जो एक मेजर क्रेडिट है ये इन्होंने दिया है आईपीएल को, जहां पर एडन मकरम इस साल हमें सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की साइड से खेलते हुए नजर आए थे। और मिडिल ऑर्डर में आप लोग उन्हें देखा होगा किस तरीके से उन्होंने बैटिंग की थी, कितने सारे मुकाबले उन्होंने एसआरएच की टीम को जिताए थे। अब गाइज एडन मकरम ने कहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में इस साल आईपीएल खेलने से उन्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि वहां पर ऑलमोस्ट वो सभी लोग अवेलेबल थे जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलते हैं। और ऐसे में उन्हें काफी हद तक अपने गेम के बारे में काफी सारी चीजें जानने को मिली। और इसके बाद ही उन्होंने कहा कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग कमबैक कर पाए। हालांकि उससे पहले भी वो लगातार अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन उसके बाद तो अब बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल हो चुके हैं। करेंटली शायद T20 में अगर हम सिर्फ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की बात करें तो मकरम श्योरली वन ऑफ द बेस्ट हैं। तो ऐसे में उन्होंने इसका क्रेडिट आईपीएल को दिया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में। और गाइज ये निकल कर आ रही है कुमार कार्तिकेया की तरफ से, जो कि आप लोग जानते होंगे इस बार मुंबई इंडियंस की टीम में थे। एक स्पिन गेंदबाज हैं जो कि मुंबई इंडियंस की टीम के द्वारा 2022 के ऑक्शन में पिक किए गए थे। और इनकी स्टोरी भी आप लोग जानते होंगे, शायद हमने भी आपको चैनल के ऊपर बताई थी जब हमें पता चला था कि ये अपनी फैमिली से काफ़ी सालों से दूर रह रहे हैं। और इनका एक ही मकसद था कि जब तक ये किसी आईपीएल या फिर किसी रेनोवन टीम में शामिल नहीं हो जाते हैं तब तक ये अपनी फैमिली से मिलेंगे ही नहीं। और काफ़ी साल इन्होंने इंतजार किया, फाइनली अब क्योंकि ये मुंबई इंडियंस की टीम के द्वारा साइन किए जा चुके हैं और अब इनको अपना फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है। तो 9 साल और 3 महीने के लंबे अंतराल के बाद ये हमें अपनी फैमिली से मिलते हुए नजर आए। इनकी अपनी फैमिली और अपनी मम्मी के साथ में जो फोटो है वो आप लोगों ने अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ली होगी। तो फाइनली 9 साल 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद इनको अपनी फैमिली से मिलने का मौका मिला। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 5वीं बड़ी अपडेट के बारे में। और ये निकल कर आ रही है क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने को लेकर। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब इसके बारे में बात हो रही है, पास्ट में भी लगातार हम देखते हैं कि क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने के ऊपर काफी ज्यादा बार प्रपोजल्स गए हैं, लेकिन कभी भी इस चीज को सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन इस बार आप लोगों ने देखा होगा कि काफी सारे नए गेम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है और ऐसे में जो होने वाले ओलंपिक गेम्स हैं उसमें भी क्रिकेट को शामिल करने के लिए बीसीसीआई पूरा ताकत लगा रही है। और इसमें एक तरीके से जो सबसे ज्यादा गेम्स का सबसे हाईएस्ट इवेंट होता है ओलंपिक्स, उसमें अगर क्रिकेट चला गया तो आप लोग उसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो काफी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि क्रिकेट नहीं खेलती हैं, तो वहां पर भी इससे क्रिकेट प्रमोट हो सकता है। तो बताया जा रहा है कि इसके लिए जो प्रपोजल है वो 2028 में किया जाएगा और ये प्रपोजल आईसीसी नहीं बल्कि बीसीसीआई खुद करेगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि बीसीसीआई किस तरीके से ऐसे मैटर में डील करता है, तो ऐसे में बीसीसीआई ने खुद इस बात को आगे ले जाने का डिसाइड किया है कि भारत की साइड से भी और उसके साथ ही जितने भी क्रिकेटिंग नेशन है जो ओलंपिक्स में क्रिकेट को पार्ट दिलवाना चाहते हैं उनकी साइड से बीसीसीआई इस प्रपोजल को आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 6ठी बड़ी अपडेट के बारे में। और ये निकल कर
नजर आ रही है भारतीय टीम के। अब जो होम मुकाबले होने वाले हैं, अभी तो पिछले काफी टाइम से भारतीय टीम हमें दूसरे कंट्रीज के ही दौरों पर नजर आ रही है, लेकिन अब फाइनली भारत की जो होम सीरीज होने वाली है जिसमें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें सीरीज देखने को मिलेगी, उसका पूरा का पूरा शेड्यूल हमारे सामने आ चुका है, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में T20 सीरीज होने वाली है, जो कि 20 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। पहला T20 मुकाबला मोहाली में होगा, 23 सितंबर को दूसरा T20 नागपुर और 25 सितंबर को आखिरी T20 मुकाबला हैदराबाद में देखने को मिलेगा। इसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ 3 T20 और 3 ODI मुकाबलों की सीरीज आपको देखने को मिलेगी, जहां पर 28 सितंबर को पहला T20 तिरुवनंतपुरम, उसके बाद 2 अक्टूबर को दूसरा T20 मुकाबला गुवाहाटी और 4 अक्टूबर को तीसरा T20 मुकाबला आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। इसके बाद जो ODI मुकाबले होने वाले हैं वो 6 अक्टूबर को पहला ODI लखनऊ, 9 अक्टूबर को दूसरा ODI रांची और उसके साथ ही 11 अक्टूबर को तीसरा और आखिरी ODI मुकाबला आप लोगों को दिल्ली में होता हुआ नजर आएगा। तो ये पूरा शेड्यूल है, अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की तरफ से, जहां पर दिनेश कार्तिक के रूप में RCB को 2022 में एक बहुत ही तगड़ा फिनिशर मिला था, जो कि करेंटली वर्ल्ड कप में शायद भारतीय टीम के फिनिशर बनने के भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। और ऐसे में RCB की टीम दिनेश कार्तिक को ऑब्वियसली बात है अपनी टीम में रिटेन तो करने ही वाली है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ को क्लियर आउट कर दिया है कि इस बार के IPL में RCB की टीम दिनेश कार्तिक को सिर्फ एज अ प्रॉपर बैट्समैन खिलाने वाली है, क्योंकि उनकी एज अब धीरे धीरे बढ़ रही है और ऐसे में एज अ विकेटकीपर RCB की टीम उनके ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहती फिजिकली। तो ऐसे में दिनेश कार्तिक को हटाकर वो किसी प्रॉपर विकेटकीपर को टीम में शामिल करना चाहते हैं। हालांकि इन्होंने ये चीज़ लास्ट ईयर के IPL में ही ट्राई कर ली थी अनुज रावत के साथ में, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा इनको ले फ्रूटफुल नहीं हो पाई थी, जिसके चलते अब RCB की टीम इस बार दिनेश कार्तिक की जगह किसी नए विकेटकीपर को उतारने वाली है, जिसके लिए वो ऑक्शन में आपको बिडिंग करते हुए नजर आएंगे। कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन ऐसे ऑप्शन है जो कि आपके हिसाब से RCB के विकेटकीपर बन सकते हैं 2023 के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में, और ये निकल कर आ रही है जो भारतीय टीम के अभी रिसेंटली मुकाबले हुए थे उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC के द्वारा T20 बैट्समैन की रैंकिंग जारी की गई है। नंबर 1 पर अभी भी बाबर आजम है जिनके 818 पॉइंट हैं, नंबर 2 पर सूर्य कुमार यादव आ चुके हैं जिनके 816 पॉइंट्स हो चुके हैं, अभी शायद 2 मुकाबले पहले इनके 732 पॉइंट्स थे और ये शायद नंबर 5 पर थे, एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन अभी सूर्य कुमार यादव करीब करीब 70-75 पॉइंट्स की लीड लेकर सीधे नंबर 2 पर आ चुके हैं, इनके 816 पॉइंट्स हैं, बाबर से 2 ही पॉइंट पीछे हैं, यानी कि आने वाले अगर 2 T20 में अच्छा करते हैं तो ये फॉर श्योर इनको हटाकर नंबर 1 T20 बैट्समैन बन जाएंगे। नंबर 3 पर है मोहम्मद रिजवान जिनके 794 पॉइंट्स हैं, नंबर 4 पर एडन मकरम के 788 पॉइंट्स हैं और नंबर 5 पर है डेविड मलान जिनके 731 पॉइंट्स हैं। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।